हेलो मेरे दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों का कुलदीप इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे भार्ब के बारे में। तो भार्ब क्या होता है, चलिए आते हैं। भार्ब को हम लोग ऐसे जनरली बोलते हैं, भार्ब इज एन एक्शन वर्ड। क्या है? भार्ब इज एन एक्शन वर्ड। तो लिखते जाएंगे, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। कोई भी सेंटेंस में कुछ होने को बताने वाला शब्द का नाम क्या है? भार्ब। सेंटेंस में कुछ भी होने को बताने वाला शब्द ही भार्ब कहलाता है, होने वाला। सेंटेंस में कुछ भी होने को बताने वाला शब्द को ही भार्ब कहते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कितने प्रकार के भार्ब हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब्स। नंबर वन, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इसी को ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। और इधर हो गया मॉडल वर्ब्स। तो ये सब हैं मॉडल वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स। तो मेन वर्ब कौन कौन से हैं, चलो सुनिधि, चलो बताओ। मेन वर्ब एटलीस्ट टू, कमान विच आर दे, कमान। नंबर वन, जंप। ओके, डांस। ओके, नाइस। सागर, प्ले। यस, प्ले। रन। ओके, दीज आर द वर्ब्स। सो देर आर सो मेनी मेन वर्ब्स। ओके, वी विल स्टडी द फॉर्म्स ऑफ दीज मेन वर्ब्स वन बाय वन। But first and foremost, I will tell you about the verb. Verb is an action word. और कोई भी sentence में कुछ होने को दर्शाने वाला का नाम होता है verb. Helping verb. आइए, helping verb कौन कौन से होते हैं? Is, am, are, have, has, had, where, लिखते जाएंगे, was, shall, will, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और अभी आइए मॉडल वर्ब के बारे में। मॉडल वर्ब कौन कौन है? वुड, कुड, शुड, ought to, can, might, तो ये सब है, एक्सेट्रा, ये सब है मॉडल वर्ब्स। तो आप देखिए मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब विशेषकर सेंटेंस में कुछ होने का बोध करते हैं, कुछ होने को दर्शाते हैं। जैसे ही इज जंपिंग, यहां क्या दर्शा रहा है? वह कूद रहा है। तो कूदना क्या हो गया? उछालना, जंप करना, ये हो गया मेन वर्ब। शी इज डांसिंग, वह नाच रही है, तो नाचने का काम हो रहा है।
तो इसका नाम क्या है? मेन वर्ब, उसी का नाम होता है मेन वर्ब। और यहां पर देखिए हेल्पिंग वर्ब स्पेशली यह दर्शाता है कि कौन सा समय में ये काम हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब टाइम को दर्शाता है, कौन सा समय में हो रहा है। तो मैंने जब टेंस को पढ़ाया तो उसमें तीन प्रकार का समय बताया, अभी का समय, बीता हुआ समय और आने वाला समय। तो उसी समय को वाला वर्ब को क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, ही वाज डांसिंग, वह नाच रहा था। तो यहां पर क्या दर्शा रहा है? ये वाज क्या दिखा रहा है कि पास्ट समय को बता रहा है। यहां ये क्या समय को बता रहा है? वाज बीता हुआ समय को बता रहा है। ही वाज डांसिंग, वह नाच रहा था। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, एक कैसा समय को बता रहा है? वर्तमान समय को, मैं अभी पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। यहां देखिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है जो समय को बता रहा है कि कौन सा समय में हो रहा है। एक्शन जो है रीडिंग कौन सा समय में हो रहा है? वर्तमान समय में हो रहा है। और मॉडल वर्ब विशेषकर ए माइनर से जुड़ा हुआ है। मॉडल, मॉडल मतलब भी क्या होता है? नमूना, नमूना, अच्छा उदाहरण। जैसे कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कम इन, मैं एक कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं, इज्जत से करते हैं, ठीक है। तो ये मॉडल वर्ब स्पेशली किससे रिलेटेड है? माइनर से रिलेटेड है। जैसे कोई परमिशन मांगना हो तो कुड यू हेल्प मी प्लीज, इस तरह से हम लोग इज्जत से माइनर के साथ में हम लोग कुछ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे वर्ब को मॉडल वर्ब्स बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से बोल सकते हैं कि वर्ब तीन प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स। तो इसको ध्यान देंगे, इसको हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो क्लियर होते जाएगा, इसलिए ध्यान देंगे। बहुत ही धीरे से पढ़ा रहा हूं और ताकि धीरे धीरे आप लोग समझ सकें। ओके, कम ऑन, एनी क्वेश्चन? हाँ, तो हम लोग देख लिए वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी देखेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब, मेन वर्ब के फॉर्म्स लेंगे। मेन वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? फाइव फॉर्म्स होते हैं, ध्यान दें। तो देखिए v1, v2, v3, v4, v5। तो वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं मेन वर्ब के? फाइव फॉर्म्स होते हैं। तो हर एक को एक एक करके हम लोग देखेंगे और मेहनत कीजिएगा, याद कीजिएगा। टू प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस। यदि मैं पूछूंगा रनिंग वर्ब क्या है प्ले का, तो सबको बोल देना है टू प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस, ठीक है। रनिंग वर्ब टू कैच का बोलिए, बोलेंगे तो क्या बोलना है? टू कैच, कोट, कोट, कैचिंग, कैचेस, पकड़ना। और एक बार ध्यान देंगे टू प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस, खेलना। टू कैच, कोट, कोट, कैचिंग, कैचेस, पकड़ना।
सिंग, sang, sang, singing, sings, ये रनिंग वर्ब है, इसको याद करना है, बहुत कठिन नहीं है, to sing, sang, sang, singing, sings, to read, क्या होता है सेकेंड वर्ब, to read, रेड रेड यानी कि रीड ही लिखा रहा है लेकिन रेड रेड पढ़ना है रीड टू रीड रेड रेड रीडिंग रीड्स बच्चों ध्यान देंगे बहुत आसान है इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे टू रन रन Run, running, runs, meaning दौड़ना ठीक है तो ध्यान देंगे ऐसे लिख लिख के हर एक फॉर्म्स को याद करेंगे बहुत सारे वर्ब्स हैं तो इतना को ध्यान देंगे To play, played, played, playing, plays. इसमें केवल प्ले में ing जोड़ दिया जा रहा है और इसमें एस या ईएस जोड़ा जा रहा है देखिए इसमें भी फोर एंड भी फाइव सेम है बस इसको याद करना है ये तीनों को बहुत आसान है टू प्ले प्लेड प्लेड प्लेइंग प्लेस इसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ा जा रहा है आईएनजी और इसमें क्या जोड़ा जा रहा है एस या ईएस जोड़ा जा रहा है दोनों चीज किया जा रहा है बस ध्यान देना इसमें क्या फॉर्म जोड़ा जा रहा है प्ले लिखने के बाद में आईएनजी जोड़ा जा रहा है देखिए हाँ कि नहीं और इसी में प्ले में आखिरी में देखिए एस जोड़ा जा रहा है और इसमें ईएस कैच एस हो जा रहा है सिंग सिंग्स रीड रीड्स रन रन्स देखिए बहुत आसान है तो इस तरह से हम लोग रनिंग वर्ब को याद करेंगे लिख लिख के रनिंग वर्ब बोलिए प्ले का बोलेंगे तो क्या देन बोलना है टू प्ले प्लेड प्लेड प्लेइंग प्लेस खेलना टू कैच कॉट कॉट कैचिंग कैचेस पकड़ना टू सिंग sang, sang, singing, sings, गाना गाना टू रेड रेड रीडिंग रीड्स पढ़ना टू रन 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 रनिंग रन्स दौड़ना और एक लिख देते हैं टू स्टडी स्टडीड studied studying studies क्या हो जाएगा यहाँ studies हो जाएगा y के बदले i लगा कि s जोड़ा जाता है studies हो जाएगा अध्ययन करना क्या हो जाएगा अध्ययन करना तो इस तरह से हम लोग आज वर्ब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब को देखें और फॉर्म्स ऑफ वर्ब देखें मेन वर्ब के फॉर्म्स को देख लिए तो आज का इतना ही पढ़ते हैं फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक यू सो मच एंड इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द लाइक बटन थैंक यू वेरी मच